जी हम लोग जो है बहुत अरसे से एक वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कपल देख रहे हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी फेमस हम इनको देख रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है हमें कि कुवैत से आए शहजादे ने एक शहजादी से शादी कर ली पाकिस्तानी शहजादी से, और बहुत ही खूबसूरत इनका कपल जो हमें देखने को मिल रहा है आपस में, इनकी बहुत ही खूबसूरत जो है वो मोहब्बत का इजहार एक दूसरे से कर रहे थे, और डिफरेंट चैनल्स पे जो है हमें ये खूबसूरत कपल जो है देखने को मिल रहा था। लेकिन आज इनके दरमियान एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम इस पर मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि ये खूबसूरत कपल जो है वो एक साथ रहने वाला आज एक दूसरे से सेपरेट हो गया, वजह क्या बनी है। अस्सलाम वालेकुम लाइबा जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि लाइबा अभी क्या नाम है, प्रीवियस डेज में जब आपके पास आई थी तो इतना खूबसूरत जो है वो आपका शूट हम लोग करके गए थे, आपका वीडियो बना के गए थे जिसमें आप कपल डांस कर रहे थे, दूसरे को जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंटरटेन कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत कपल को जो है नजर लग गई किसी की और आप दोनों से सेपरेट हो गए, आज आप अकेली बैठी हुई है यहाँ पे, वजह क्या है? बेसिकली हमें लगता है हमें वाकई नजर लग गई है, क्योंकि आपको पता दुनिया की हसरत और दुनिया की नजर लग सकती है, तो वो मुझे नजर लगी है और मैं इतनी परेशान थी कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग किसने डाली है, ऐसा क्यों उसने किया, उसको क्या फायदा था, तो उस बंदे ने इतनी गलत फहमियां डाल दी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए, तो मैं इतनी परेशान थी, मुझे यकीन करें मुझसे बात नहीं हो रही थी, मैं किसी को क्या जवाब दूं कि जो कपल लोगों के सामने इतना खूबसूरत था आज मैं तनाव। ऐसा हुआ क्या कि आपके हस्बैंड के जो दिलो दिमाग में आपके लिए फितूर पैदा हो गया, ये अजीबो गरीब सा शक पैदा हो गया, तो हुआ क्या था? बेसिकली मेरे हस्बैंड जो थे मुझसे बहुत प्यार करने वाले थे, आपके सामने उसने किस तरह मेरा नंबर लिया लोगों से, क्या कुछ किया उसने मुझे पाने के लिए, इतना मोहब्बत किया, लेकिन वो पुराने मुर्दे, वो गले मुर्दे, वो जो कहते हैं ना पुरानी चीजें दोबारा ओपन होगी, किसी ने उनको दोबारा कुछ ऐसा हुआ, तो ये बात दोबारा लाइव आपसे करूंगी कि उनको ऐसे क्या हुआ कि उनके माइंड में इतना ज्यादा फितूर पैदा हो गया कि वो आपको छोड़ के चले गए। बस फतूर लोग ही डालने वाले हैं आपको पता, तो वही हम बेसिकली बात आपसे जानना चाह रहे हैं कैसा हुआ, क्या क्या बात उनको पता चली है, माजरत के साथ कहीं कुछ पुराने रिलेशन उनको पता चले हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं? हाँ जी, मेरे रिलेशन तो पुराने उनको पता थे, मेरा सब कुछ पता था, मैंने ऐसी कोई बात उनसे नहीं छुपाई हुई थी, इवन के मैंने अपने सर से बैठ तक हर चीज बताई हुई थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तो आपको लगता है कि आपकी जो सच्चाई है वो ही आप घर तबाह करने की जो है बहुत बड़ी रीजन बन गई है कि आपने सब कुछ सच बताया और आज वो जो है उस चीज को जो है वो पॉइंट करके जा रहे हैं कि तुम ऐसी थी तो ठीक ही हो? हाँ, ये चीज थी, ये उन्होंने बातें की हैं कि ऐसी तुम हो, तुम वैसी हो, तुम गलत हो, लेकिन क्या है कि जब आप तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, हम इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहेंगे, सॉरी, लेकिन हमारे नाज़रीन को भी पता चलना चाहिए कि जो है खूबसूरत कपल जो है जिसको मतलब लोग बहुत ज्यादा दाद दे रहे थे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत है शहजादा जो है हमारी पाकिस्तानी शहजादी के साथ उसने शादी की है, तो वो शहजादा ऐसा कह के क्या गया है? बस गलत बातें लोगों की बातों में आ गई कि तुम्हारा करेक्टर अच्छा नहीं है, तुम ऐसी थी, मैंने तुम्हारे बारे में ये तस्वीरें, तुम्हारे लोगों के साथ तस्वीरें थी, तुम्हारे लोगों के साथ स्कैंडल आएगी, मैं किसी से बात करती तो उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब कुछ भी मैं कुछ करती भी हूँ तो इनको बुरा लगता है। आप देखें हर चीज को गलत नहीं होती, ठीक है, जब इस इंडस्ट्री में मैं शुरू से ही थी, मैं तो शुरू से बोल्ड काम करती रही हूँ, अपना एक इमेज बनाया हुआ था इंडस्ट्री में, काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, लोगों की नजरों में क्या आई मुझे नहीं पता, लेकिन ऑडियंस बेहतर समझती है कि एक रिश्ता जो औरत का होता है वो बड़ा नाजुक होता है, ठीक है, उस रिश्ते को बचाने की मैंने बड़ी दफा कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी इंसान कानों का कच्चा होता है तो वो किसी की बातों में आ जाता है, तो यही जावर ने किया है। मतलब आपकी पास्ट जो आपकी वर्किंग थी इंडस्ट्री से रिलेटेड, ऑब्वियसली हम लोग भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं बहुत सारे स्कैंडल्स बन जाते हैं, इवन डेट वो पर्सन ऐसा नहीं भी होता तो उसके बारे में हमें बहुत सी चीजें सुनने को मिल रही, क्योंकि सोशल मीडिया है, ये गलत भी है ये अच्छा भी है, अभी तो इस्तेमाल करने वाले और उसके हाथ में होता है ना। तो आपके हस्बैंड मुझे क्या नाम है ये इस तरह से छोड़ के गए हैं कि आपका माजी इस तरह से था, आप काम कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, डेट्स हो जाती। बिल्कुल, मेरा माजी मेरे सामने, मेरे मतलब उनको मेरे माजी के बारे में टिकटॉक से आपको पता पसंद किया उन्होंने मुझे, टिकटॉक से पसंद किया, टिकटॉक अकाउंट उन्होंने खुद ही डिलीट करवा दिया, सब कुछ खत्म करवा दिया, इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमारे घर में प्रॉब्लम रहे तो वो क्या अच्छी बात है? तो आपको जो है सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ करने को बोला था उन्होंने? सोशल मीडिया से नहीं कहा, उन्होंने मुझे काम करने से मना किया था कि तुम्हें मैं कोई काम करना नहीं देना चाहता, तुम तो आप कौन से काम करना चाह रही थी जिससे उन्होंने आपको मना कर दिया? मतलब इंडस्ट्री में मैं मतलब मेरी मूवीज के कुछ गाने थे रिलीज होने वाले थे, कुछ आइटम सॉन्ग्स की पुराने किए हुए थे, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, तो वो रुक गए, इन्होंने काम रुकवा दिया, इन्होंने मुझे इंडस्ट्री से बिल्कुल ही कट आउट करवा दिया था, तो इन्होंने, हाँ जी मेरे हस्बैंड ने, मुझे मतलब 1.5-2 साल हो गए मैंने इंडस्ट्री को ना मतलब
गुड बाय गुड बाय बोल दिया। हाँ, तो जब मैंने गुड बाय किया था तो उससे मुझे इन्होंने क्या किया कि अब दोबारा इन्होंने कम बैक करवाया कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तो मैं इंडस्ट्री में शौक है तो मैं भी कुछ बनना चाहता मतलब हूं। आपकी जो है बैकबोन के थ्रू ये खुद फेम होना चाह रहे थे, फेमस होना चाह रहे थे लोग। हाँ, साथ फ्रेम होना चाहते थे, जाहिर सी बात है मेरे साथ काम करेंगे तो फ्रेम तो इनको मिलेगा ही ना। तो जब इनको फ्रेम मिला है, साथ सब कुछ किया, तो शायद किसी की नजर लग गई है, लोगों ने देखा है कि ये क्या हो रहा है। जब आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करने देना चाह रहे थे तो आप करना चाहते थे, इंसिस्ट किया था आपने कि मैंने काम मैंने नहीं किया, उसके बाद मैंने नहीं काम किया ना कोई ऐसा जिक्र किया। हम अपनी एक मतलब जितना भी आपकी शादी का हुआ है उस वक्त आप घर ही है, हाउसवाइफ नहीं। मैंने उसके बाद इंडस्ट्री में कम बैक किया है, लेकिन वो काम के लिए नहीं किया, इन्होंने मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहा। इन्होंने मुझे कहा तुम अपनी एक प्रोडक्शन बना रही हो, तुम्हारी लाइव प्रोडक्शन पहले से थी, उस प्रोडक्शन को तुम बड़ा करो, उस प्रोडक्शन को तुम चलाओ, एक बुटीक बनाऊंगी, डिजाइनिंग करूंगी, मतलब एक मेकअप आर्ट, एक सब अच्छा काम करूंगी, और लोगों को मतलब एक अपना बिजनेस होता है ना, जैसे आप अपना बिजनेस जो है वो क्रिएट करना चाह रही थी। और मेरा सोशल मीडिया पे तो वैसे मैं थी, और उसकी वजह से मतलब मुझे ये फायदा था कि चलो मैं अपना बिजनेस करूंगी एज अ प्रोड्यूसर मैं काम करना चाह रही थी, कोई भी मतलब ड्रामा या कोई भी ऐसा काम करूंगी जिसमें मैं ये मेरा साथ देंगे, एज अ हीरोइन को लूंगी, इनके साथ मतलब बिनके कोई ऐसा बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर देखें आप कोई काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है इंडस्ट्री में आप गलत काम ही करते हैं, मेरा कोई गलत काम करने का कोई माइंड नहीं है ना। मैंने कहा मैंने एक चीज छोड़ दिया था, वो मैंने छोड़ दिया, वो मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगी, ये जिंदगी में मेरे साथ रहे या ना रहे मैं वो काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे मुझे खुद को भी अब शर्मिंदगी होकर देखो उसने आपको अगर छोड़ा है तो आपने ये क्या गुलगुलाना शुरू कर दिए, फिर गन शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री को यही दिखाना चाहती हूँ, मतलब अपने माजी को जो है अपने प्रेजेंट के साथ अपने फ्यूचर के साथ नहीं अटैच करना चाह रही, माजी में जो भी हुआ जैसा हुआ अच्छा बुरा वो मेरी पुराना अतीत था, वो गुजर गया, खत्म हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि कमबैक हमेशा अच्छा करूँ। तो लास्ट में जो व्यूज आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि जाबर साहब आप जहाँ भी हैं आप वापस आए, मैं सुलह करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा आपके लिए मैंने अच्छा सोचा है, कभी बुरा नहीं सोचा, और आप ऐसा ना करें कि लड़ाई करें लोगों को, ना अपना हम दोनों इमेज खराब बन के दिखाएं, क्योंकि लोगों की नजर में हम बहुत अच्छे हैं, एक प्यार करते हैं, तो प्यार करने वाला जो कपल होता है वो कभी भी नाराज नहीं होता। और ऑडियंस आप इस चीज का जरूर जवाब दीजिएगा कि हम दोनों को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, और प्लीज ऑनलाइन निकाह तो बिल्कुल भी ना लड़कियां करें, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती है। मतलब आपको लगता है कि जो फेस टू फेस बैठ के आप दूसरे से शरारत बनवा सकते हो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं हो तो सकता। आपको मेन रीजन यही लगती है कि आप ही जो भी सेपरेशन है जी, ठीक है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अभी फिलहाल आप लोग जो है सेपरेट ही हो, ठीक है, तो ऑनलाइन निकाह की वजह से हुआ है, ऑनलाइन निकाह की वजह से हुआ है, कुछ बातें मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने डाली है वो अभी तक उनके क्लियर नहीं हो रही, और वो यही समझते हैं कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। आप गलत हैं जी, तो लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं जी निकाह के लिए, तो ऑब्वियसली क्या नाम है उन्होंने बोला था ना कि आप निकाह कर लेते हैं, और ऑब्वियसली जैसे अभी हम एक पुराना पीछे पड़े रहे हैं, पीछे पड़े रहे हैं, तो आपने इस चीज उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, मैंने किया। तो अभी आके मतलब आप इस चीज को पॉइंट करेंगे हमें निकाह नहीं करना चाहिए ऑनलाइन, ठीक है किसी हद तक बात आपकी ठीक भी है, लेकिन मैं इसको आप देख रहे हैं शादी के बाद जब भी लड़की कोई शादी करती है अपना सब कुछ खत्म कर देती है तो वो आपसे प्यार करती है ना, या इवन के वो किसी पैसे के पीछे या किसी चीज के पीछे भागती नहीं है, और मोहब्बत सच्ची हो तो कहते हैं हर रास्ते निकल आते हैं, तो मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैं वो मेरी खातिर कुवैत से आए, मैंने उनसे इतनी मोहब्बत की, उन्होंने अपना। नाज़रीन हम लोग यहीं पे अपने प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप टच देंगे। लाइबा जो है ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है, एक औरत के लिए एक सिंगल गर्ल के लिए ये चीज जानना कि उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा है, उसके बाद दो बच्चे भी हैं, फिर भी वो औरत उससे शादी कर रही है, तो आप उसकी मोहब्बत का आलम जान सकते हैं कि उसे कितनी मोहब्बत कर सकती है। और उसके बाद क्या नाम है, नेक्स्ट अगर हम लोग उसके डायरेक्शन देखें तो उनसे कवेती जो बंदा है जो एक आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है वो उनसे जब बाहर जो शादी करते हैं सारा प्रोसीजर बताते हैं, उसके बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इस वजह से उनका माजी जो है वो इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है, और वो वहां पे कैसी थी, अच्छी थी बुरी थी ये तो रिमार्क्स हम नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीबो गरीब और गलत जो है बयानी करके उनको रिमार्क्स लाइबा को दिए जिसकी वजह से उसको छोड़ के चले गए हैं। लाइबा अभी भी जो है उनके साथ रहना चाहती हैं, और आप देख सकते हैं कि लाइबा की हालत बहुत ही ज्यादा जो है वो नर्वस भी है और परेशानी की हालत में भी है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ दोबारा जो है वो एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और लाइबा के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि ये और इसका हस्बैंड जो है दोबारा से एक साथ हो जाए, और जिस तरह से एक कपल हंसता खेलता हमें पहले दिखने को मिल रहा था अभी दोबारा देखने को मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, अल्लाह के बाद।